हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 10 तारीख है, संडे है। आप एंजॉय कर रहे होंगे संडे के दिन, एंजॉय कीजिए। आज बैंक निफ्टी पे एक ओपिनियन लेके आया था। बैंक निफ्टी की देखेंगे, जो क्लोजिंग हुई थी 8 तारीख को वो 27761 का हुआ था, और वो लो बनाया था 27645 का, हाई बनाया था 27811 का, ओपन हुआ था 27686 पे। और आप देखेंगे लगभग सभी का, जो एडवांसेस थे 4 थे, डिक्लाइन 7 थे। यहाँ पे देखिए जो अच्छे कर रहे थे, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक, कोटेक बैंक, यस बैंक न्यूट्रल था। और जो सबसे ज़्यादा लॉस और लूजर में दिखा रहे थे वो पीएनबी दिखा रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसलैंड बैंक दिखा रहा था, फेडरल एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये सब थोड़ा लूज होकर के दिखा रहे थे पोजिशन में। इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में स्टॉक पोजिशन 28200 तक के लेवल को ये दिखा सकता है। ये जिनको सुन के तुरंत जाना उनके लिए पोजिशन है। लेकिन मूवमेंट कैसा रहेगा, तो मूवमेंट एक बार आप लास्ट के पहले, इसके पहले का भी मूवमेंट आप देख लीजिए। ये जो इसके पहले जब 28400 टच किया था, तब का मूवमेंट आप देख लीजिए। ये लगभग ऐसे ही ये 3 ग्रीन कैंडल बनाया था, फिर नीचे लिया था, फिर ऊपर लिया था, नीचे लिया था, ऐसे करके ये कैंडल हो सकता है कि बनाएगा। आप सोचेंगे एक बार एक सरप्राइज चले जाए, वो नहीं जाएगा। ये आपको ये पीरियड जो है, ये 25/7/2018 से लेकर के ये जो पीरियड था, ये था 24/8/2018। इस पीरियड में देखिए जो मूवमेंट ऐसा लिया है, ये इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा मोस्ट प्रोबेबली। अब यहाँ से हो सकता है कि एक बार नीचे थोड़ा डरा के नीचे की ओर दिखाए, फिर ऊपर लेके जाए, ये कंटिन्यूअस फॉल ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो ये मूवमेंट को हो सकता है ये फॉलो कर सकता है, जो कि उस समय उसने फॉलो किया था 26/7/2018 से लेकर के, और ये जो भाई बनाया था 26/8/2029, ये जो फॉलो किया था 7/8, इस पीरियड में हो सकता है कि ये फॉलो करे। कितनी फास्ट फॉलो करेगा ये एक सरप्राइज चीज होगी, लेकिन ये फॉलो करना है इसको, और मार्च में ही फॉलो करना है इसको। उसे एक कारण और भी है, आप देखेंगे तो ये एक एस पैटर्न बना रहा है। अब यहाँ से देखिए ये नीचे से फॉल हुआ, और ये देखिए ये वीकली चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, ये एस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे कोई कुछ लोग इसको कप पैटर्न भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये कप बन चुका है, तो ये कप पैटर्न बना है, तो 100% ये इसके लेवल को टच करते हुए ऊपर की ओर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, कप का भी पैटर्न बना हुआ है, एस का भी पैटर्न बना हुआ है, तो आप जैसे भी समझें इसको। और एक देखेंगे वीकली साइड में क्या बोल्डनेस है इसके, इसको इस बॉडी को देखिए, कितने वॉल्यूम, मतलब अच्छे खासे बॉडी के साथ ये ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। अगर यहाँ पे भी आपको दिखाई किस स्ट्रक्चर को ये फॉलो कर सकता है, अगर मैं इसके करंट की बात को करूँ, तो आप देखेंगे अभी क्या कर रहा था ये डेली स्ट्रक्चर पे, ये देखिए यहाँ पे से यहाँ पे ये क्लोज देता है, इस लेवल पे जाके क्लोज देता है, फर्स्ट कैंडल सीधा यहाँ से ओपन होता है और यहाँ क्लोज देता है। उसके बाद थोड़ा सा इंडिसिसिव टाइप का रहता है, ओपन क्लोज यहाँ पे रहता है, न्यूट्रल रहता है ये 26 मार्च 2019 को। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे ओपन होकर के फिर यह ऊपर की ओर क्लोज देता है, और फिर उसी पोजीशन को वापस थोड़ा सा इस ओपन को जो लो था, इस लो के अपर लो पे जाता है। ये जो लो बनाया था इसने यहाँ पे बनाया था, लो जो बनाया था 27560, बट यहाँ जो लो बनाया है इसने बनाया 27645, और फिर इसी के अपर क्लोजिंग को दिया, अपर क्लोजिंग को फॉलो किया है इसने। मीन्स के नीचे अब इस लो को भी तोड़ना नहीं चाहता जो कि 27560 है। तो स्टॉप लॉस 27560 का हो सकता है आप देखें, हो सकता है इसको तोड़ भी दे एक बार, लेकिन किसी भी हालत में वो एक बार जो है वो आपको टच करते हुए दिखाई देगा। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर ये मेरे को इसको एक बार दिखाऊं, तो आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो इसका वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो अपर बैंड है 27217 का, ये अपर बैंड वीकली चार्ट पे ये देखेंगे, वीकली डेमा है, वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो यहाँ देखेंगे तो ये आपको बता रहा है जो बोलिंगर बैंड का जो वीकली है वो 27217 का बता रहा है। तो हो सकता है 28230 तो 28230 के लेवल को ये टच करने की कोशिश कर सकता है। ऑलरेडी ये इस लोअर मिडिल रेंज जो है, ये जो मिडिल रेंज है ये आप देखेंगे, ये मिडिल रेंज है 26724, इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है ये। तो कोई भी चाहे, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए कोई करना चाह रहे हैं, तो आप लास्ट उसके कैंडल में जो है उसको, लास्ट कैंडल को फॉलो कीजिए। लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग थी 27645, तो 27600 के ऊपर जब तक रहता है मुझे लगता है स्ट्रांग है, और ये स्ट्रांग होना ही है। इसको देखिए 28000 एक बार टच कराना ही है, यहाँ पे इस ट्रेंड को फॉलो करना है इसको, ऊपर नीचे करते हुए इसको ऊपर की ओर जाएगा। तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। और अगर मैं आपको इसके डेरिवेटिव पे भी जा करके दिखाऊं, जो 14 तारीख की क्लोजिंग हो रही है, तो एट द मनी क्या है इसका, 27761 पे क्लोजिंग हुआ 8 मार्च को। तो जब मैं एक्सपायरी 14 मार्च के डाटा को देखता हूँ, ये साइड पुट है, ये साइड कॉल है,
यहाँ आप देखिए कॉल के साइड में सब ग्रीन दिख रहा है आपको, मीन्स बाइंग चल रही है, और यहाँ पे सब क्या शॉर्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट किया जा रहा है। एट द मनी 27,700 पे क्या हो रहा है, 22,400 से क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और 27,700 पे देखेंगे 1,70,000 से इसको शॉर्ट किया जा रहा है। शॉर्ट की क्वांटिटी देखेंगे तो आपको ज्यादा है, मतलब 27,700 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 5,49,000 जो है 27,500 पे, तो 27,500 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इसको 5,49,000 का। और ऊपर की ओर देखें तो ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पे 4,92,000 28,300 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस इसको देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे भी 4,92,000 है। अदरवाइज देखिए आप 28,000 पे, 28,100 पे, 28,200 पे हर लेवल पे एक बाइंग हो रही है, और बाइंग देखेंगे तो 28,000 पे भी थोड़ा सा एक लंबा रेजिस्टेंस तो आएगा, 28,000 पे 5,38,000 है। तो डेरिवेटिव में भी देखें तो यहाँ पे जो पोजीशन बनते हुए दिख रही है ऊपर की ओर देखते हुए बनती है। अब 27,500 पे देखिए जो शॉर्ट हो रहा है, 27,400 पे 1,70,000, 27,500 पे 1,70,000, 27,600 पे 1,59,000, 27,700 पे 1,70,000, इतने वॉल्यूम से इसको शॉर्ट किया हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा ले रहा है, और हर लेवल अब वॉल्यूम टूट भी जो रहा है आप देखेंगे तो अच्छे खासे पॉइंट्स के साथ टूट रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी जो इसकी है ना वो अच्छी खासी तोड़ी जा रही है। तो IBB अगर देखें तो IBB इधर पोजीशन पॉजिटिव दिख रहा है, इधर के कंपैरिजन में कॉल की ओर ज़्यादा IBB पॉजिटिव दिख रहा है। एचीवमेंट 10.62, तो 28,300 की ओर जाते हुए ज़्यादा चांसेस है कि इसको देखने को आपको मिल सकता है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि जैसे यहाँ पे ये पहुँचा था तो आप देखिए कैसे ऊपर नीचे करते हुए पहुँचा था, इस चार्ट को देखिए यहाँ पे, तो आपको हो सकता है कि ये ऐसे करते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इस बाउंड्री को हटा दूँ एक बार तो आप देखिए ये कैसे ऊपर नीचे करते हुए पहुँचा है, तो इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। यहाँ पे से अप लिया, फिर ये अप लिया, फिर अप लिया, फिर डाउन डाउन डाउन, फिर अप 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 लो, ऐसे करते हुए यहाँ पे इसने हाई बनाया था। तो एक बार अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखता है, 28,264 का जो हाई बनाया था ये अचीव करने जैसा दिख रहा है, और यहाँ पे 27,500 का एक जो सपोर्ट है वो आपको एक सपोर्ट के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 27,500 के सपोर्ट से आप 28,300 की ओर जाते हुए इसको निफ्टी को देख सकते हैं, और बैंक निफ्टी को सॉरी। और अगर आज के पोजीशन में देखें तो 27,700 का जो है आपको जो मिल रहा है 231 रुपये में मिल रहा है। अगर मैं इसी की वैल्यू को मार्च के दिखाऊँ बेहतर तो होगा, 28 मार्च का आप लेंगे तो, क्योंकि हो सकता है बीच में कभी गड़बड़ भी हो जाए, तो 28,000 का भी लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कि 269 रुपये में मिल रहा है। तो अगर 28,000 का पेपर ट्रेडिंग 269 से करते हैं कॉल को तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भी देखिए अगर मंथली क्लोजिंग को देखें तो यहाँ पे सब जगह बाइंग है, तो लोग ज़्यादा इस पर पोजिशन बना रहे हैं। इनफैक्ट 28,000 पे यहाँ पे अनवाइंडिंग भी दिखा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा मंथ एंड की क्लैरिटी ज़्यादा दे रही है कि ये ज़्यादा ऊपर की ओर एंड में जा, हो सकता है 14 मार्च को एक्सपायरी के पहले नहीं जाए या जाए भी, लेकिन यहाँ पे ऊपर की ओर जो पोजीशन बनते हुए दिख रहा है बहुत अच्छा पोजीशन बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव ट्रेंड है देखने को, 28,300 की ओर ये बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी आपको कमिंग समय में मार्च के पहले एंड तक आपको क्लोजिंग के पहले, आपको मार्च क्लोजिंग के पहले एक बार 28,300 की ओर लेवल की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, और अपने प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करेगा। और अगर 28,300 क्रॉस कर देता है तो ओपन स्काई में जाएगा, वहाँ पे फिर कितना लिमिट होगा उसका वो खुद ही बताएगा पोजीशन पे। ये सारा एजुकेशनल पर्पज से वीडियो था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।